गाइस, तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे। आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल शार्प ऑफ बेसिक्स पर। आज हम एक ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में बात करने वाले हैं जो कि हर एक सेक्टर के अंदर अपना इन्वेस्ट करता है। फॉर एग्जांपल, फार्मा सेक्टर, एनर्जी, PSU, ठीक है, बहुत सारे जितने भी सेक्टर्स होते हैं सबके अंदर वो एक एक कंपनीज के अंदर चूज करके सब में इन्वेस्ट करके एक अकेला एक म्यूचुअल फंड तैयार करता है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है जानने के लिए कि सब में है तो यार ऑब्वियस सी बात है हर जगह से वो प्रॉफिट खींचेगा ही। तो देखेंगे इसमें क्या है क्या नहीं है, कितना प्रॉफिट है कितना रिस्क है, सब कुछ जानने वाले हैं हम इस वीडियो में। पूरा जानने के लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा, नहीं तो आप फिर कमेंट करके बोलते हो भैया ये पता ही नहीं लगा, ये नहीं पता लगा। तो पूरा एंड तक ज़रूर देखिए। तो जल्दी से टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं वीडियो पर। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन होगा उसको दबाएं, बेल आइकन आएगा उसको दबाएं, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ के अपडेट्स मिलते रहें। तो चलते हैं अपने डेस्कटॉप पे और अपने सब ब्राउज़र पे चलते हैं। तो ईटी मनी ये साइट है जो कि डेस्कटॉप पे भी खुलती है और आपके फ़ोन पे भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल है, ऐप स्टोर पे भी अवेलेबल है। तो बेसिकली हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं अपने म्यूचुअल फंड पे। तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स के अंदर यहाँ पे थीमेटिक आता है, ठीक है। तो बेसिकली थीमेटिक मतलब कि हर एक के अंदर से इन्वेस्ट किया हुआ है। तो राइट, तो हम चलते हैं सबसे ऊपर कौन है। आपसे इन सबको दिखाने से बाद मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि यार SBI, ये सब ICICI, ये सभी क्यों है, ठीक है। और सबसे ऊपर टाटा क्यों है, क्योंकि देखो यार टाटा जो कंपनी है वो बहुत पहले से है। रतन टाटा, उसके पीछे कितनों ने ओन की हुई है, ठीक है। तो टाटा कंपनी से ही पूरा इंडिया चलता है, आप एक चीज़ ये कह सकते हो, ठीक है। तो हर जगह टाटा है, तो सबसे ज़्यादा ऑब्वियस बात है हर जगह इसने पैसा लगाया हुआ है टाटा कंपनी ने, तो सबसे ऊपर यही होगी, ठीक है। तो कितना लगाया हुआ है, 1321 करोड़ रुपए हर जगह इसका, मतलब थीमेटिक वाले म्यूचुअल फंड्स में इसका लगा हुआ है, ठीक है। तो उसका नाम है टाटा एथिकल फंड, ठीक है। इसका देखते हैं हम खोल के क्या सीन है क्या नहीं है। तो 313.63 रुपीज़ के एक यूनिट है इसकी, ठीक है। मतलब एक यूनिट जितने भी आपको जितना भी आप लगाओगे पैसा उसके हिसाब से आपको अलॉटमेंट होती है यूनिट्स की। तो ये कितना देती है, जब से ये मार्केट के अंदर आई है तब से 16.19% का इसने रिटर्न दे चुकी है। मंथली सिप आप इस पर कर सकते हो 500 की, एंड लमसम अमाउंट आई थिंक 5000 होगा। ऑलराइट, तो 5000 ही है इसमें। तो अब इसकी बात करते हैं रिटर्न्स की, तो ये रिटर्न कितना देती है, क्या सीन है, कैसे लगाना चाहिए। तो मंथली सिर्फ अगर आप 10,000 के 5 ईयर्स के लिए लगाते हो, हर महीने 10,000 लगाते हो 5 ईयर्स के लिए, तो उस कुछ बनते हैं 6 लाख रुपीज़, जिसपे आपको ये 3.87 लाख रुपीज़ ही आपको दे देती है। तो टोटल आपके पास 5 साल बाद आपके अकाउंट में होंगे 9.87 लाख रुपीज़ आपके डीमेट अकाउंट के अंदर होगी, जहाँ पर भी आप जहाँ से भी आप इसको इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, पैसे को। तो मोस्ट प्रोबेबली आज का कैलकुलेशन है, तो क्या पता इन फ्यूचर 5 साल बाद ये कुछ 10 लाख के ऊपर चला जाए। तो ग्रोइंग होती है कंपनी टाटा की, आपको पता ही है ज़्यादातर, तो ये ऊपर जा सकता है। तो 10 लाख के अबव आप लेके चल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं कहाँ पे इसने पैसा लगाया हुआ है। तो टेक्नोलॉजी सेक्टर सबसे ऊपर टाटा का कंसल्टेशन सर्विसेज, ठीक है, जो अपने इंजीनियर्स को उठाती है थोक के भाव में, तो ऐसे कह सकते हो आप, मतलब लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, तो एम्प्लॉयमेंट के लिए, उनको सिखाने के लिए, उनको तैयार करने के लिए कि आगे क्या क्या चीज़ें। तो ये टाटा बहुत अच्छी चीज़ करती है। तो TCS नाम की कंपनी आप सर्च कर सकते हो गूगल पे भी, बहुत अच्छी कंपनी है। तो मौका देती है सबको, एक्सपीरियंस देती है, ठीक है, अपनी कंपनी में काम करने का, तो नाइस थिंग। तो नेक्स्ट हम चलते हैं कैपिटल गुड्स, ठीक है। तो कैपिटल गुड्स मतलब मान के चल लो बहुत सारी टाटा कंपनी, टाटा स्टील, ये वो सब कुछ, मतलब मैं कंपनी के नाम नहीं लेना चाहता, बट आपको पता ही है कैपिटल गुड्स से क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। मटेरियल्स हैं, ठीक है, वो सेम चीज़ें आ जाती हैं कंस्ट्रक्शन में भी, स्टील। तो टाटा की बहुत सारी चीज़ें, जहाँ जहाँ इंडस्ट्रीज फैली हुई है सब कुछ टाटा का ही है। कंज्यूमर स्टेपल्स, कंज्यूमर गुड्स, टाटा सॉल्ट ले लो, कुछ भी ले लो, मतलब जैसा भी, तो हर जगह टाटा है ही है, ठीक है। तो बेसिकली इन्होंने सबसे एलोकेशन बहुत अच्छे से कर रखी है, जहाँ से इनको रिटर्न अच्छा खासा मिल जाता है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं इसकी बात करते हैं अपन रिस्क की। तो रिस्क इसमें भाई मैं सही बताऊँ तो 90% तो सेफर साइड पे हो, और 10% का रिस्क मैं इसलिए लेता हूँ क्योंकि यार देखो टाटा कंपनी ना कभी कभी नई चीज़ें प्लान करती है। तो नई चीज़ करोगे तो हमेशा नहीं होता कि यार चलते चलेगा कि नहीं चलेगा, तो वही चीज़ ही है, ठीक है। तो नाइस, इनका वैसे एक चीज़ अच्छी लगती है कि चलो ट्राई तो करते हैं ये लोग कुछ नया। तो बेसिकली अगर नहीं चलता तो उस टाइम लॉस हो सकता है, अदरवाइज तो हमेशा ये प्रॉफिट में ही रहती है टाटा कंपनी। तो इसके अलावा तो इसमें वीडियो में कुछ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इसकी साइट पे विजिट कर लो ईटी मनी, और वहाँ पे आप देख सकते हो कि टाटा एथिकल डायरेक्ट प्लान रूट में क्या क्या है।
तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और म्यूचुअल फंड के साथ। तब तक के लिए टाटा।